हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आ गया एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। और भाई लास्ट टाइम तुम लोगों ने देख लिया था मेरे साथ क्या हुआ, और स्केलेटन ने मेरी डुई फाड़ दी थी। और भाई फिर उसके बाद मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर मैं आ गया हूँ फिर से। और भाई यार उधर मतलब फुल मैंने मेटल वेटल फोड़ा है, पता है तुम लोगों को, इतना मेटल था। इधर ही थी कहीं से ये रही सॉरी ये रही, देख रहे हो, चेक करो भाई। अब बहुत आराम से उतरना पड़ेगा, वैसे थोड़ा सा एडजस्ट तो कर लिया था भाई। मुझे पता है क्या, मैं इधर उतरा, मैंने देखा कोल इधर पड़ा हुआ, इधर लगा हुआ था कोल, तो फिर मैंने बोला यार थोड़ा सा और नीचे जाके चेक करता हूँ। अभी तुम लोग देखो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी, मतलब तुम खुद बोलोगे अबे भाई क्या कहाँ चले गए चचा तुम, मतलब चचा बोल दिया मैंने अपने आप को, लेकिन कोई खैर है, चलो वो भाई गहराई चेक करो। मैं पहले एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं जाऊँगा उस वाले साइड पर। मैंने थोड़ी बहुत ना वो कर ली थी एक्सप्लोरेशन, मतलब बिल्कुल छोटी सी की थी, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कर ली हूँ, और मैंने थोड़ी टॉर्चेस वॉर्चेस लगा दी थी। अच्छा एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोगों को अगर ओह निकल भूत निकल साला जाहिल। चलो ये तो एक था, ये रहा देखो कॉपर। भूतनी के कहाँ है तू? चलो एक और गया भाई, बहुत कम है हो कि वो रह गई है मेरी, क्या बोलते हैं लाइफ, हो बना लेते हैं एक, हो तो बहुत काम आएगी भाई। ये देखो इस वाली जगह पे, ये देखो गोल्ड। अच्छा अभी मुझे गोल्ड चाहिए था, और गोल्ड के लिए ना मेरे पास वो नहीं था एक्स, तो अब मैंने वो ले लिया एक्स। नीचे तो चेक करो भाई, इधर तो चेक करो, इधर तो मैंने अभी तक तुम लोगों की वजह से नहीं गया, मैंने बोला तुम लोगों के साथ ही जाऊँगा, जब तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ना सब कुछ तो जाऊँगा। ये थोड़ा तोड़ देते हैं हिस्सा ना, और इधर एक टॉर्च लगा ही लेते हैं। भाई नीचे लावा भी है भाई, बहुत बड़ा केव है, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा है कि एक्सप्लोर करते करते साल लग जाएगा। देख लो मेटल मिल गया, पहले तो थोड़ा सा गोल्ड कलेक्ट कर लेते हैं, और गोल्ड तो तुम लोगों को पता है किससे कलेक्ट होगा, आयरन वाले से कलेक्ट होगा, तो जल्दी से आयरन वाले से कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये दो हो गए, अच्छा मैं अपने ना आयरन वाले को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो थोड़ा इधर देख लेते हैं, इधर आजू बाजू तोड़ के और गोल्ड है कि नहीं। देखा लग रहा था मुझे और गोल्ड होगा, इधर कोल भी देखा और मिल गया, तो कोल भी पकड़ लेते हैं। कोल जितना है उतना कम है भाई, जितना हो उतना कम। अच्छा ये देखो मुझे ना कॉपर की ज़रूरत नहीं, कॉपर मुझे लगता नहीं है कि इतना मेरे लिए ना अभी काम का है, तो ये मैंने कॉपर गोल्ड पकड़ लिया। थोड़ा सा और तोड़ के चेक कर, देखा देख रहे हो, मतलब यूज़फुल जो चीज़ें ना वहाँ पे आजू बाजू में कुछ ना कुछ काम का मिल ही जाता है। देखो ये मैंने एक और तोड़ा, उई हुई भाई इधर तो बरसात है, उई हुई उई हुई हुई, अबे भाई भाई जन्नत, उई हुई हुई, अबे भाई ये तो जन्नत है ये जगह भाई, जन्नत है ये जगह, ये जन्नत माइनर्स के लिए, स्टार्टिंग के बिगनर्स के लिए भाई जन्नत है कसम से। इतना गोल्ड देख के भौंकला गया हूँ मैं, आर्मर उई हुई भाई, नदियाँ बह रही हैं। एक्स वैक्स बनाने पड़ेंगे, स्टिक्स हमारे पास शायद ख़त्म हो गई हैं। मैं थोड़ा ना मुझे डर लग रहा है, ज़्यादा मुझे माइंड नहीं करना चाहिए क्योंकि बाहर निकलने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। हाँ बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर मैं और माइंड करने लगा तो। और ये जो फजूल आ रहा है ना हमारे पास, ये जैसे ग्रेनाइट, इसको फेंक देते हैं, अबे हटना। और भाई वुड हमारे पास बहुत कम है, वुड हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो क्योंकि वुड का एक काम करते हैं फिर, वुड की यार स्टिक्स एक की, एक वुड की तो स्टिक नहीं बनती, मतलब दो की लग बनती हैं प्लैंक की, तो वो तो हमारे पास ये हो जाएगा। चलो इसका ये हम और स्टिक्स पकड़ देते क्योंकि हमने सारी स्टिक्स की ना वो बना ली, तो भाई एक अब अपना वो लगा लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल। मैं सोच रहा हूँ इधर ही लगा लेता हूँ, ठीक है ना, इधर क्राफ्टिंग टेबल लगा लेता हूँ। और क्राफ्टिंग टेबल भैया ये सॉरी, रॉटन फ्लैश तो बेकार होता है एकदम, रॉ गोल्ड। और हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था पिकैक्स, क्योंकि पिकैक्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। कहाँ गया पिकैक्स, ये रहा सॉरी, दो बना लेते हैं, हाँ एक इधर सही है। और इसको भी तोड़ ही लेते हैं ये वाली यूज़ करके। मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ा डायमंड वायमंड की तरफ बढ़ते हैं भाई, बहुत रिच है ये जगह ना, बहुत रिच है, वैल्यूबल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं इधर, मतलब कोल तो देखो कितना भरा पड़ा है कोल। ये देखो एक टूट रहा है नहीं, दूसरा और मिल रहा है,
इतना मिल चुका है, ये देखो। मैं तो सोच रहा हूँ इधर खोदते खोदते मुझे बहुत कुछ ही मिल जाएगा। कॉपर भी कलेक्ट कर ही लेते हैं, अब आ गए हैं तो बना लिए ना एक्स तो हमने। और एक काम करते हैं, अब इधर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इधर, क्योंकि अभी तक गया नहीं मैं। और टॉर्चेस हाथ में पकड़ लेते हैं, क्योंकि टॉर्चेस बहुत लगानी पड़ेंगी, थोड़ा डेंजरस। इतना तो आ गया था मैं भाई, मुझे याद रखना पड़ेगा मुझे वापस कैसे जाना है। इस साइड पे पहले चलते हैं। ये देखो, ये देखो, सामने मिल गया, सामने मिल गया मेटल। मेटल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आई किसी चीज़ की। इधर एक वो लगा लेते ताकि इधर स्पॉन स्पॉन ना हो। अच्छा याद रखना है मुझे कि लेफ्ट पे जाके ना हमारा सारा वो है। भाई बहुत मेटल है, मतलब इतना मेटल ना मैं देख के भौंकला गया हूँ। थोड़ा सा और खोद लेते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है आजू बाजू में कुछ ना कुछ पड़ा हो। कलेक्ट करूँ? नहीं 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 ये कलेक्ट नहीं करता, फजूल लग रहा मुझे। मतलब ये स्टाइल स्टाइल के लिए लग रहा है मुझे। आई गेस और है नहीं इधर मेटल, वरना अभी तक ना मिल चुका होता है। तो ये थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक इधर रास्ता नहीं जा रहा, सिर्फ नीचे ही जा रहा है। भाई मुझे तो हैरा ये है प्रॉब्लम के ऊपर कैसे चढ़ेंगे। और ऊपर मैंने तो एक चीज़ सीखी है, ऊपर जाना हो ना नीचे बॉक्स लगा लगा के ऊपर चलते रहो। बहुत नीचे आ गया हूँ, ये क्या है? लावा मिल गया भाई। ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, मैं फिर से नहीं मरना चाहता। भैंस की टांग। भूतनी के कुत्ते का ब्रेड थूसते हैं। और नहीं खा सकते, दिल खुद ही बढ़ेगा। ओ भाई उसने तो दे दिए मुझे दो चार। अबे इधर तो गए नहीं हम लोग, गलत जगह पे जा रहे हैं हम लोग। चलो भाई उधर तो जाऊंगा मैं, नीचे की तरफ बहुत ज़बरदस्त कुछ लग रहा है मुझे सीन पार्ट। इधर एक टॉर्च की कमी है, क्या कहते हैं? थोड़ा सा राइट जाके चेक कर लेते, क्या पता वैल्यूबल रिसोर्सेज मिल जाए इधर भी। और ये देखा, कहा था ना मैंने मिल जाएगी कुछ ना कुछ वैल्यूबल रिसोर्सेज। तो इधर भाई मेटल की तो बरसात, देखो ना ऊपर। लेकिन पता है क्या, केव में एक मसला होता है, ऊपर से छत गिर जाती कभी कभार, तो उसका कुछ भरोसा नहीं होता। कि थोड़ा सा और तोड़ देते क्या पता। चलो सही है। अच्छा स्पॉन इधर ना हो क्रीप्स वगैरह, तो उसके लिए हमें पता है टॉर्चेस लाजमी लगानी पड़ेंगी। इधर जाने का कुछ रास्ता नहीं है, तभी मैंने इतनी सारी टॉर्चेस। वो भाई कहाँ पहुँच गया हूँ मैं भाई, जन्नत है ये तो। वो रेड स्टोन, नीचे भी रेड स्टोन। कॉपर है इधर, इधर ही घर ना बना लूँ, क्या कहते हो? खाना वाना फोड़ना बस ना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। चलो हमारी वो टूट गई एक्स, मैं सोच रहा हूँ लगा ले दूँ एक इधर। वैसे एक चीज़ मैंने बंदे ने बताया था मुझे, वो जिसकी मैं वीडियोस देख रहा था ना, तुम लोगों को मैंने बताया था बहुत टाइट बंदा है, बहुत काम की चीज़ें बताता है। तो उसकी मैं ये वीडियो देख रहा था, उसने बताया था कि भाई आप ना अगर पानी के अंदर जंप करोगे ना, कहीं पर पानी है और आपने फिर उधर जंप किया। आवाज़ आ रही है, बैट है वो रहा मेटल। थोड़ा सा और मेटल पकड़ लेते हैं, बहुत फार्म करके जाएंगे इस बार। तो गोल्ड मिल गया, डायमंड नहीं मिला। गोल्ड का तो वो बनाना है, और गोल्ड हमें थोड़ा और चाहिए भी, पता है क्यों? गोल्ड और इस वजह से चाहिए, नीचे ना गिर जाइए हम, ना नीचे गिर जाए। भैंस की टांग, डर लग रहा है मुझे, पता है माइन करते हुए डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। असल में डर इस वजह से लग रहा है, इधर अगर रोशनी नहीं होगी तो उधर वो आ जाएंगे मनुष्य मारे, क्या बोलते हैं उनको। ये ऊपर के साइड पर भी चल के चेक कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। और लाइट लगा लेता हूँ, अलग ही दुनिया में ना निकल जाए भैंस की डांग। भाई क्या है ये, बहुत ज्यादा वो है। चलो कोल भी और पकड़ ही लेते हैं, आगे सामने जो जो आता जा रहा है उसको पकड़ता रहूंगा मैं। ये थोड़ा और कोल पकड़ लिया भाई, कोल ही कोल है, मतलब
बारिश है, केव तो मतलब जन्नत है इन चीज़ों के लिए। और हो सकता है इधर वो करते करते ना माइंड भाई, कोल ही कोल है, कोल ही कोल। वो देखो और भी अंदर भी और भी कोल है। अच्छा मुझे ये ना वेन लग रही है। वेन का मतलब तुम लोगों को पता है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। वेन वो होती है जिसमें नदियाँ बह रही होती हैं, ये वैल्यूबल रिसोर्सेज की। और ऊपर जा पाएंगे हम लोग? बहुत ऊपर आ गया हूँ, कोशिश कर ही लेता हूँ निकलने की इधर से बाहर ना। एक काम करता हूँ, इसको गिरा के इधर से चढ़ने की कोशिश करते हैं ऊपर। वो लगा लेते हैं टॉर्च, इधर लगा लेते हैं, सही है। और भाई देखते हैं किस जगह पे हम बाहर निकलते हैं। हम लोग वाई, मुझे याद है हमारा कितना था, वाई 37 पे, मतलब हम लोग तो 70 पे थे। हम लोग बहुत ही नीचे अभी भी। फिर एक काम करते हैं, नीचे की तरफ ही चलते हैं, अपने जिस जगह से आए थे ना उधर से ही निकलते हैं। मेरा दिल तो बहुत कर रहा है अभी अंदर नीचे कूद के जाके चेक करूँ, लेकिन आर्मर वार्मर नहीं है ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। जैसे स्केलेटन अभी हमारी मारने लग गया था ना, हम लोगों को भागना पड़ा, वैसे फिर अभी भी यही सीन पार्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इस पूरे केव को ना प्रॉपर तरीके से बनाऊँगा अपने हिसाब से, छील पील के, और फिर इसके अंदर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और मतलब अभी एक्सप्लोर तो करते रहेंगे और साथ साथ उसको छीलता रहूँगा मैं। मतलब छीलने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाई करता रहूँगा केव को। और जब अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लूँगा ना फिर आएगा मज़ा। चलो रास्ता तो देखो अब आसानी से मिल गया मुझे, पहले तो ये भी नहीं मिल रहा था। भैया जी पानी पिला दें, मौत की आस लग रही है। वाई 20, और ये तो और नीचे पहुंच गया यार हम लोग। महज की ढंग चल क्या रहा है? खाना तो वैसे बहुत है, थोड़ा एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। पानी की आवाज़ आ रही है यार, इधर ही कहीं थे हम लोग पता है। हाँ वो रहा, वो रहा, सॉरी सॉरी, जाना इधर से ही है, दिमाग में नहीं रहा। ये मैंने ही रास्ता बनाया था इधर से ना ऊपर, देख रहे हो, ये मैंने ही बनाया था। वो देखो ऊपर और भी एक काम करते हैं इधर, वो ये देखो, ये तो बहुत जमा हो जाते हैं कोबल स्टोन ना, बहुत जमा हो जाते हैं। ये थोड़े से लगा लेता हूँ मैं इधर इधर। हाँ अब इधर से ऊपर चढ़ सकते हैं आसानी से, और इधर से जंप मार लेते हैं। जंप तो काफ़ी हैं, जंप तो मार ही सकते हैं हम लोग, इतना तो है भाई। सीढ़ियाँ ना बहुत सारी ये कोबल स्टोन की बना के लाऊंगा, और सीढ़ियाँ लगाऊंगा ताकि आने जाने में बहुत आसानी हो यार। कोबल स्टोन तो बहुत कलेक्ट हो गया, आने जाने में आसानी होनी चाहिए। भैंस की डंग, और पता है उससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा मुझे, इधर मैं अक्सर फंस जाता हूँ। भैंस की डंग आ गए हम लोग बाहर। उससे उससे दूसरा फ़ायदा ये होगा, मेरी इस माइनिंग स्पीड जो है ना बहुत तेज़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ, एक ब्रेड और खा ही लेता हूँ क्योंकि बाहर हैं मॉन्स्टर्स। और हो हाथ में एक्स हाथ में पकड़ देता हूँ। निकलो निकलो जल्दी, निकलो जल्दी निकलो, बहुत कलेक्ट किया हुआ है। अगर अभी पिटे ना हम लोग किसी से तो हमारी फटके चार हो जाएगी, और हमारी मतलब फ़ायदा सारा बेकार हो जाएगा जो भी हमने कलेक्ट किया है, भाड़ में जाएगा वो। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अभी और आगे की तरफ बढ़ के जल्दी से ना हम लोग। ओए हो क्रीप, कुत्ते का बच्चा, वो उतनी के भाग यहाँ से, तेरे से डर के हम लोग अपनी जान दे रहे हैं, निकल इधर से। ये आके इसके घर पे ना फट जाए। बोले विलेजर बाहर है अभी भी, मर तो नहीं गया वो। एक काम करते हैं, और सबसे पहले तो जब तक हम लोग अंदर फंसे हुए हैं तो एक काम करते हैं, कोबल स्टोन जो है ना इसकी हम सब की वो बना देते हैं। 64 आ गई, चलो सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना, सीढ़ियाँ हमें चाहिए लाजमी। और हमारे पास गोल्ड वगैरह चेक कर लेते हैं, हमारे पास रॉ गोल्ड है 8, और हमारे पास मेटल 26 है ठीक है। मेटल भी बहुत अच्छे खासा हमारे पास आ गया, इससे हमारा आर्मर वार्मर बन पाएगा। और हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से सो जाते हैं ताकि सुबह जब हम उठें तो हमारे पास वो हो अच्छा खासा, मतलब टाइम हो चीज़ें बनाने का। चलो भाई जल्दी से हम लोग इधर कोल डालते हैं। भैया कोल नहीं, नहीं ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे, ये तो फजूल है। ब्लास्ट फर्नेस भाई क्या गोली की स्पीड में करता है ना, तुम लोगों को मैं दिखा दूँ। इन लोगों ने एक बाकायदा अलग से बनाया हुआ है ब्लास्ट फर्नेस के लिए जगह,
इसी वजह से मैं इस इनके विलेज में रह रहा हूँ। अपना घर का क्या है अपने, तो एक काम कर, सब पूरे का बना लेते हैं और कोल भी इधर सारा भर देते हैं। भाई बहुत जल्दी करता है ये, देख रहे हो गोली की स्पीड में करता है ब्लास्ट फर्नेस। मैं तो सोच रहा हूँ दो तीन और ब्लास्ट फर्नेस देख लूँ कि कैसे बनेगा, अभी तक मेरा खुला है नहीं। फ्लिंट एंड स्टील, ये बनता कैसे? एक फ्लिंट चाहिए और एक आयरन इंगोट चाहिए, ठीक है, और ये दो आयरन का शेयर्स पता नहीं क्या यार, इसको भी देख लेंगे क्या सीन पार्ट है। देख लो छः हो चुका है। एक काम करते हैं अपनी, जब तक ये हो रहा है ना तब तक अपना आर्मर वार्मर बनाना स्टार्ट करते हैं। और शील्ड भी भाई, शील्ड भी होती है, वो भी चाहिए होगी हमें। अच्छा इधर देखो, बहुत ज़बरदस्त जगह पे हम लोग आए हुए हैं, उसकी वजह पता क्या है? इस घर से निकलो, सामने पकाने का है, उधर ब्लास्ट फर्नेस है, उधर मतलब बहुत जल्दी बन जाते हैं, मतलब ब्लास्ट फर्नेस के पास ही हम लोग एक तरीके से रह रहे हैं इन शॉर्ट, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ लगती है ब्लास्ट फर्नेस। हमें इधर नहीं जाना, हमें जाना है, हमें सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ शील्ड और अच्छी नहीं बन सकती, ये भी बन रही है बहुत बड़ी बात है, लेकिन चाहता हूँ कि और अच्छी बन जाए। लैंटर्न वगैरह भी बना सकते हैं आप, चेन बकेट वगैरह, बकेट तो मुझे तीन और चाहिए, क्योंकि मिल्क वगैरह चाहिए होते हैं ना, उसके केक पे अच्छा बन जाएगा। ऑब्सीडियन का भी मुझे पता है एक चीज़, लावा जो है ना अगर स्टिल होगा उसके ऊपर पानी डालोगे तो उससे वो हो जाएगा, ऑब्सीडियन बन जाएगा, तो वो भी हम बना सकते हैं। नेदर पोर्टल में फिर जाएंगे हम लोग, बेहतरीन हो जाएगा। अभी तो सबसे पहले नंबर पर अपना वो आर्मर का स्टार्ट करते हैं बनाना। एक हमारे लिए बूट्स कर दो, ठीक है, और एक हमारे लिए ख़त्म। चलो खैर, सबसे पहले तो बूट्स लगा लेते हैं अपना। ओहो भाई मस्त, अब अंदर जा के चेक करते हैं, अच्छे सारे हो गए होंगे ऑलमोस्ट, बहुत तेज़ काम करता है ब्लास्ट फर्नेस। हाँ 16-17 हो गए भाई, हमारे पास 19 आ चुके हैं, 20 हो गए, और मेटल चाहिए होगा थोड़ा पता है। अभी इसके बाद ना मैं गोल्ड को लगा दूंगा होने पे, और फिर उसके बाद कॉपर को लगा दूंगा, ताकि हमें कॉपर का भी पता चल जाए क्या है, वो किसी काम का है हमारे के नहीं। भाई बहुत गोली की स्पीड में करता है ये ब्लास्ट फर्नेस, मतलब बहुत ओपी है ये। जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं, क्या कहाँ गया अपना, कहाँ गया? हाँ ये रहा, मतलब बैग में ही है। तो एक आर्मर पकड़ लेते हैं, एक पैंट्स पकड़ लेते हैं, और एक हेलमेट पकड़ लेते हैं, और शील्ड पकड़ लेते हैं। हेलमेट भी आ गया, और शील्ड चाहिए। शील्ड के लिए कितना चाहिए? 3 स्पेंस प्लैंक वुड चाहिए भाई, प्लैंक्स चाहिए मतलब, तो वुड के लिए भी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो लगा लेते हैं अपना आर्मर। इसी को तोड़ देते हैं जल्दी से, वो तो बहुत जल्दी तोड़ देती है। और भाई इस बार ना थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ लेके जाऊँगा, उसकी वजह पता है क्या है? लास्ट टाइम मेरे पास स्टिक्स कम पड़ गई, अब स्टिक्स कम पड़ गई, तुम लोगों को पता है स्टिक्स से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टिक्स। सबसे पहले तो इसका सारे का सारा बना देते हैं, और अब हमें क्या चाहिए था? हाँ हमें तो उसमें डालना है ना, हमें शील्ड बनानी है भैया, शील्ड दो। चलो भैया एक शील्ड हम ये लगा लेते हैं, और शील्ड कैसे आएगी? शील्ड ऐसे आएगी, और अपना हेलमेट भी लगा लेते हैं। और एक काम करते हैं, इस वाले को ना फेंक देते हैं, ठीक है, ये इस वाले को फेंक देते हैं। और अच्छा अब देखो, अगर हम वैसे नॉर्मल घूम रहे होंगे ना तो ऐसे करके और फिर यूँ मार सकते हैं, ऐसे ही ब्लॉक किया और ये ब्लॉक किया, फिर जंप मार के यूँ मार दिया, ठीक है। तो भाई आउटरो में वैसे बना नहीं पाया, क्योंकि वीडियो आगे लंबी चली गई थी, तो फिर मैंने बीच में से काट दी, क्योंकि फजूल था फिर आगे का। तो ये वाली वीडियो इधर तक ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।